नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर, आपको स्वागत करता हूं अपने चैनल दी चिरपर में। आज हम देखेंगे कि लॉरी कितने किस्म के वेजिटेबल्स खाते हैं। आज के इस वीडियो में हम दिखाएंगे 9 किस्म के वेजिटेबल्स जो लॉरी खाते हैं। उनमें से सबसे पहला है बीट रूट। बीट रूट आप इसको बड़े बड़े टुकड़ों में भी दे सकते हैं और ग्रेट करके भी दे सकते हैं। लॉरी इसको बहुत मज़े से खाते हैं, स्वीट होता है। पम्पकिन, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पम्पकिन या कद्दू, इसको भी आप ग्रेट करके दे सकते हैं या फिर बड़े बड़े पीस में भी दे सकते हैं। लेकिन कद्दू जब आप ऑफर करिएगा, कद्दू मार्केट में कई किस्म के मिलते हैं। एक तो होता है जिसका बाहर का हिस्सा ग्रीन कलर में होता है, पका हुआ नहीं होता है, लेकिन लॉरी जो होता है वो पका हुआ कद्दू जो अंदर से बाहर से पूरा पीला या ऑरेंज कलर का माफिक हो, वही खाना पसंद करते हैं। ये ग्रीन कलर या जो पका नहीं है, कच्चा है, उसको खाना उतना पसंद नहीं करते। ककुम्बर, मैं साल में ज़्यादातर समय ककुम्बर ही ऑफर करता हूँ अपने चिड़ियों को। ककुम्बर मैं उसको उसका छिलका निकाल लेता हूँ और बड़े बड़े टुकड़ों में उनको ऑफर करता हूँ। ककुम्बर यानी खीरा, इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। लॉरी इसको बहुत बढ़िया से खाते हैं। कोई भी दवाई वगैरह भी अगर आपको कभी चिड़िया को देना हो, अगर आप अपने चिड़िया को ककुम्बर में हैबिचुएट किए होंगे तो उसमें आसानी से आप कोई पाउडर वाला दवाई अगर देना हो तो आराम से दे सकते हैं। बीन्स यूँ तो साल भर ही मिलते हैं, लेकिन ठंडे के मौसम में जो बीन्स होता है वो थोड़ा सॉफ्ट और स्वीट होता है, तो मैं प्रिफर करता हूँ इसको ठंडे के मौसम में देने के लिए। बीन्स भी बहुत बढ़िया से खाते हैं चिड़िया। कैप्सिकम भी लॉरी बहुत बढ़िया से खाते हैं, उनके बीज भी वो खा लेते हैं और पूरा का पूरा कैप्सिकम खा लेते हैं। देखिए कैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। कॉर्न यानी मक्का या भुट्टा, कॉर्न दो तरह के मिलते हैं हमारे बाज़ार में, एक स्वीट कॉर्न होता है और एक नॉर्मल देसी वाला कॉर्न होता है, दोनों ही खाते हैं, बहुत अच्छे से खाते हैं। कॉर्न वेजिटेबल में भी जाता है और फ्रूट में भी जाता है। आप ये स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कितना बढ़िया से पूरा खा लेते हैं ये कॉर्न। लॉन्ग बीन्स यानी लोबिया, इसको भी खाते हैं, ये भी एक किस्म का बीन्स ही होता है, ये भी लगभग साल भर ही मिलता है, लेकिन चिड़िया बहुत चालाक होता है, आप देख सकते हैं, उसको मालूम है कि कहाँ पे उसका सीड्स है। कई कई चिड़िया ऐसे होते हैं पूरा लॉन्ग बीन्स को नहीं खाते हैं, सिर्फ जहाँ से सीड्स होता है उसी को चुन के खा लेते हैं, लेकिन कोई कोई चिड़िया होता है पूरा ही खा लेते हैं लॉन्ग बीन्स को। मटर यानी ग्रीन पीस जो है ठंडे के मौसम में मिलता है और इसको बहुत बढ़िया से खाते हैं चिड़िया, इसका छिलका तक खा जाते हैं। मटर तो खाते ही, मटर के दाने और छिलका भी खा लेते हैं। ऑफ सीजन में हम तो आपको पहले एपिसोड में, स्प्राउट वाले एपिसोड में दिखाए थे कि मटर को स्प्राउट करके दिया जाता है जो येलो पीस होता है, लेकिन ग्रीन मटर जो है ख़ास तौर पर ठंडे में पाए जाते हैं, तो इसलिए ठंडे में आप इसको भरपूर दें। कैरट यानी गाजर थोड़ा सख्त किस्म का वेजिटेबल होता है, इसको भी आप दो सिस्टम में दे सकते हैं, पहले तो छिलका छील लीजिए, या तो ग्रेट करके दे सकते हैं या तो बड़े बड़े टुकड़ों में दे सकते हैं, इसका भी टेस्ट स्वीट होता है, इसलिए ये बहुत बढ़िया से खाते हैं। वैसे चिड़िया का खाना या ना खाना ये वेजिटेबल के टेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, कई कई वैरायटी का भी टेस्ट कम बेसी होता है। गाजर दो किस्म के
आमतौर पे पाए जाते हैं। एक थोड़ा ऑरेंज कलर का देखने के लिए होता है और दूसरा थोड़ा गुलाबी रंग का देखने के लिए होता है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं विजुअल में भी वही दिखा रहा हूँ कि ऑरेंज कलर का गाजर ये लोग खा रहे हैं, लेकिन वो जो गुलाबी वाला होता है मैंने ट्राई किया, उतना अच्छे से नहीं खाए। वैसे आप ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है आपका खा ले। अगले एपिसोड में हम देखेंगे साइट्रस फ्रूट। तब तक के लिए नमस्ते।